नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? क्या यूनिवर्स के पास में अपने विश का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है? अपनी विश का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और जो चाहे हम खरीद लेते हैं। ये जो टेक्निक है ना, कमाल की टेक्निक है। पक्की बात, आपने ये टेक्निक कहीं नहीं सुनी होगी, लेकिन ये टेक्निक आज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसे इजाद किया है। क्यों इजाद किया है पता है? क्योंकि मुझे पता है आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमारा जो माइंड है ना उसके साथ में इतना इजी हो गया है ना, चीजें बहुत आसान हो गई है। तो ये जो टेक्निक है ना आपको बड़ी आसानी से समझ में आने वाली है और किस तरीके से आपको करना है मैं सब कुछ बताऊंगी। इसके अंदर 100% आपको विजुअलाइजेशन, जो हमारी टेक्निक है ना, उसका इस्तेमाल करना है। और विजुअलाइजेशन तो सबको पता है कि यार कितनी पावरफुल चीज है, हमारा दिमाग कितने बढ़िया तरीके से उसको कैच कर लेता है, ठीक है। और इसके साथ में ना विजुलाइज बड़ी आसानी से कर लोगे। हमारी जो ये टेक्निक है ना, इसके अंदर एक ऐप भी है। आपकी जो विश है ना वो उस ऐप के अंदर एग्जिस्ट करती है। आप उसका ऑर्डर बिल्कुल उसी तरीके से प्लेस कर सकते हो जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। है ना मजेदार बात? है ना, है ना। आहा, चलो देखते हैं कि ये टेक्निक आपको कैसे करनी है। सबसे पहली चीज, आपकी जो विश है ना वो क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। जैसे कि हम जब कोई चीज खरीदने वाले होते हैं तो वो क्लियर होता है हमारे माइंड के अंदर कि हम इसके आने के बाद में क्या करेंगे, इसका क्या क्या यूज है, क्या होने वाला है, हमें कैसा लगेगा जब वो हमें मिल जाएगी। सारी चीजें पहले से क्लियर होती है ना, तो बस वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर जो हमारे विश है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो भी चीजें हमें चाहिए वो हमारे दिमाग के अंदर ऑलरेडी सेट है, तभी तो आप उसका ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे ना। तो चाहे कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, मनी हो, जॉब हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, आपकी विश कुछ भी हो वो वहां पर एग्जिस्ट करती है। और जो हमारी ऐप है उसका नाम है यूनिवर्स ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, यू कैन ऑर्डर एनीथिंग, जो कुछ भी आप चाहें आप वहां पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कैसे? चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो विश है वो क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। हमारी जो ऐप है यूनिवर्स ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, अब यहां पर एक ऐप के माध्यम से आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। 100% इसको विजुअलाइज करना जैसे यहां पर मैं ऐप में दिखा रही हूं। आपको इस ऐप को विजुअलाइज नहीं करना है, आपको यूनिवर्स ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को विजुअलाइज करना है जहां पर ढेरों, करोड़ों, अरबों, अरबों से भी ज्यादा अरबों चीजें हैं, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों की विशेज है। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पे आप जो नहीं चाहते वो भी वहां पर होता है ना, जो आपको कभी भी नहीं खरीदना वो भी वहां पर होता है ना, क्योंकि वो किसी और को खरीदना होता है। बिल्कुल ऐसे ही इस वाले यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहां पर ये मैंने लिया हुआ है अमेजोन, यहां पर आपको अमेजोन दिख रहा है। अब आपको विजुअलाइज कैसे करना है मैं बताने वाली हूँ। यहां पर आपको जो आप अपने दिमाग में देखेंगे, आप इसे आंख बंद करके कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने दिमाग के अंदर देखेंगे, पहले आप पूरा देख लो कि आपको विजुअलाइज कैसे करना है। यहां पर अमेजोन लिखा हुआ है, हमारी उस ऐप का जो नाम है वो यहां पर लिखा हुआ है, यूनिवर्स ऑनलाइन शॉपिंग ऐप यहां पर लिखा है, ठीक है। अब मैंने यहां पर डाला था डाबर हनी, इसलिए यहां पर ये डाबर हनी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। आपने यहां पर डाला स्पेसिफिक पर्सन, जॉब, कुछ भी अब आपने अपने माइंड के अंदर डाला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने जैसे डाबर हनी डाला, सबसे ऊपर यही वाला प्रोडक्ट जो है मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, आहा कितना बड़ा हनी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट। अब यहां पर जब हम इसके नीचे जाते हैं तो यहां पर दो ऑप्शंस आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही विजुअलाइज करना है। यहाँ जहां मेरा डाबर हनी गया यहाँ आपकी विश है, और नीचे यहां पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक ऑप्शन दिख रहा है बाय नाउ, दूसरा दिख रहा है ऐड टू कार्ट। सबको बाय नाउ करना होगा, सबको अभी चाहिए, अभी चाहिए, ठीक है। यहां पर प्राइस भी दिख रहा है, ये लिखा हुआ इसका प्राइस। अब आपको प्राइस की जगह क्या दिख रहा है, क्योंकि आपकी विश तो अनमोल है, उसका तो कोई प्राइस हो ही नहीं सकता, उसकी तो कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती, इसलिए आपकी जो विश है उसका एक प्राइस है, जो यूनिवर्स ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के ऊपर सिर्फ एक ही प्राइस है सब लोगों के लिए। वो प्राइस का यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पेशेंस, ठीक है। अब आपको ये विजुअलाइज करना है, कैसे कैसे विजुअलाइज करना है, आपका प्रोडक्ट यानी कि आपके विश, ये रही मेरी विश, और यहां पर दो नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, और वहीं पर आपको प्राइस भी दिख रहा है। प्राइस की जगह लिखा हुआ है पेशेंस, और एक स्माइली भी बनी हुई है जो यूनिवर्स ने दी हुई है हमें, पेशेंस यानी कि स्माइल के साथ पेशेंस, ओके। अब हम करते हैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक, बिल्कुल ऐसे ही विजुअलाइज करना, इसीलिए मैं ऐप का इस्तेमाल कर रही हूं यहां पर आपको समझाने के लिए इसको, ठीक है। जैसे ही हमने इसको ऐसे किया तो ये आ जाता है हमारे पास में कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। कैसे पेमेंट करेंगे आप, कैसे, यहां पर तो पेमेंट हो ही नहीं सकती,
क्योंकि इसने तो कोई प्राइस ही नहीं रखा हुआ, अनमोल चीज का कोई भी प्राइस नहीं है, पेशेंस। ठीक है, अब आपने पेशेंस, उसने बोला आप रेडी हैं हमको ये अमाउंट देने के लिए, आप बोलते हैं यस मैं रेडी हूं, तो यहां पर नीचे लिखा रहता है कंटिन्यू, आप यहां से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू आपने कर दिया, ये हो गया हमारा। जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू दबाया तो इसके बाद यहां पर दूसरी चीजें आ जाती हैं कि आपको इसको कैसे खरीदना है। जैसे ही आपने इसको कंटिन्यू किया, ठीक है, आप इसको मैं हटा देती हूं क्योंकि अब आ जाते हैं हम मेन बात के ऊपर। आपने सारी चीजों को डिसाइड कर लिया बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपका प्रोडक्ट, आपका प्राइस जहां पर पेशेंस लिखा हुआ था, उसके बाद आपने कंटिन्यू किया। सब कुछ करने के बाद उसने बोला ये आएगा आपके पास, वहां पर एक टाइम आता है जब हम कुछ भी खरीदते हैं तो वो हमें एक डिलीवरी का टाइम देता है कि इस डेट से इस डेट तक आपके पास पहुंच जाएगा। आपको जो विजुलाइज करना है वो करना है डिवाइन टाइम, आपके विजुलाइजेशन में ये होना चाहिए, वहां लिखा हुआ है डिवाइन टाइम, और पेशेंस रखना है आपको स्माइल के साथ, खुश होकर के। अब देखिए सारी चीजें क्लियर हुई, आपका प्रोडक्ट क्लियर हुआ, उसका जो अमाउंट था वो क्लियर हुआ, उसका नाम पेशेंस है, उसके बाद आपने बाय नाउ किया, उसके बाद आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद आपने उनका टाइम देखा कि वो कब से कब तक में आपको दे देंगे, उसका नाम है डिवाइन टाइम। ठीक है, अब ये सारी चीजें कर लेने के बाद क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, कहते हैं ओके हो गया, फिर दूसरी विशेष है उसके ऊपर लग जाओ। उसके बाद भी बहुत सारे विशेष हैं। अब हमारे दिमाग के अंदर ये क्लियर है कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मेरे मोबाइल में उसका मैसेज आ गया, मुझे मेल आ गया कि मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस्ड, वो लोगों ने लिख करके दे दिया सक्सेसफुली प्लेस्ड। अब वो मेरे पास मेल में भी आ गया, मैसेज में भी आ गया, मैं बार बार तो नहीं चेक करने वाली हूं। ओके फाइन, वेट फॉर डिवाइन टाइम। ठीक है, जब आप ऐसे करोगे ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि ऑलरेडी शॉपिंग ऐप के ऊपर उसने कुछ चीजों को ना रखा हुआ है, ले रखा है, तो जब आप इस तरीके से विजुलाइज करोगे ना, वो बिल्कुल शॉपिंग की तरीके से आपको शॉपिंग करवा देगा आपके विश की, समझ रहे हो। तो जितने भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, और जो लोग नहीं करते और इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि एक बार आप ना या एक किसी भी एक ऐप पे चले जाएं और उसको अच्छे से पहले देख ले, ताकि आपको ना क्लियर हो जाए आपके माइंड के अंदर। तो जो लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी माइंड ने ना बहुत सारी चीजों को पकड़ करके रखा हुआ है, और उन लोगों के लिए टेक्निक सीरियसली बहुत जल्दी काम करेगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमें अपने माइंड के अंदर नहीं बैठानी होती, बस किया टक 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 टक, ऑर्डर प्लेस, टिंग हो गया, मैसेज आ गया, या आ गया, अब दिमाग की सेटिंग है, हाँ हाँ आ जाएगा बस। तो जब आप ऐसे वाला करोगे और अपनी दूसरी विशेष पर लग जाओगे, क्योंकि वो यूनिवर्स तो भरा पड़ा है, आप जहां जहां चीजें डालते जाते हो वो चीजें आती जाती हैं, उसी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके कुछ और विशेष हैं, इसके कुछ और विशेष हैं, मेरी बहन के कुछ और विशेष हैं, मेरे भाई के कुछ और विशेष हैं, मेरे बच्चे के कुछ और विशेष हैं, मेरे हस्बैंड के कोई और विशेष हैं, मम्मी पापा के कुछ और विशेष हैं, तो वो सब भी वहां पर नजर आता है। मैंने डाला डाबर हनी तो वहां पर तरह तरह के हनी आ गए, क्योंकि वो और लोगों के विशेष भी हैं। तो इस तरीके से जो यूनिवर्स की ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है ना, वो इस तरीके से काम करती है, सबके लिए खुली हुई है, आपकी विश वहां पर एग्जिस्ट करती है। ऑर्डर प्लेस करके तो देखो, डिवाइन टाइम का वेट करके तो देखो। तो ये जो टेक्निक है ना, सीरियसली ऐसे काम करेगी ना कि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो माइंड है ना ऑलरेडी इसके लिए मंझा हुआ है, ऑलरेडी आप इस सब चीजों को कर चुके हैं, ऑलरेडी आपके लिए बहुत आसान है, करके देखो फिर देखो मजा। आई लव यू ऑल, अपने आपसे ना ढेर सारा प्यार किया करो, और ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये भी मुझे प्लीज जरूर बताना, और कौन कौन इसको करने वाला है तुरंत में ये भी मुझे बता देना। ठीक है, विजुअलाइजेशन का पूरा पूरा इस्तेमाल करना, अगर विजुअलाइज नहीं होता है करेक्टली, तुरंत नहीं होता है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम की प्रैक्टिस कर लेना इसको कर करके, ऑर्डर प्लेस ऑर्डर प्लेस ऑर्डर प्लेस ऑर्डर प्लेस, और एक दिन ऑर्डर प्लेस हो ही जाएगा, और डिवाइन टाइम का फिर वेट कर लेना। आई लव यू ऑल, बाय।